यह शहर के बेशतर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नकारा, पार्क गेट, घंटाघर चौक, गुलगज समेत दीगर इलाकों के रिहायशी साफ पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। आवाम को पानी के हसूल में मुश्किल दरपेश, वासा और जिले इंतजामिया आवाम को बुनियादी सहूलत फराहम करने में नाकाम दिखाई दी। मुल्तान वासा की जानिब से शहर में बिछाई गई सीवरेज की मुतअद्दिद लाइनें बोसीदा करार, मुख्तलिफ इलाकों में सड़क धंसने का खदशा। सूरज म्यानी रोड, घंटाघर चौक, वाटर वर्क रोड, हुसैन अगाही समेत दीगर इलाके शामिल। एमडी वासा का कहना है लाइनें अपनी उम्र पूरी कर चुकी हैं, पंजाब हुकूमत ने फंड्स मंजूर कर लिए हैं, जारी होते ही नई लाइनें बिछाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। कमिश्नर मुल्तान नदीम अरशाद कियानी के कुर्बानी के जानवरों को स्प्रे के बाद स्टिकर लगाने के अहकाम जारी, दाखिली और खारजी रास्तों पर स्प्रे की हिदायत पर सख्ती से अमल करने की भी हिदायत दी गई। डीसी डीजी खान अली अकबर भट्टी की जेर सदारत कुर्बानी के घाले इकट्ठे करने के हवाले से मीटिंग, खालों की वसूली के लिए जिला इंतजामिया से इजाजत लेना लाजमी करार, दरख्वास्तें 15 अगस्त तक जमा करवाई जा सकती हैं। आज ही रेलवे पाकिस्तान डॉक्टर मजीबुर रहमान मुसाफिरों को सहूलियात मुहैया करने के लिए डट गए, कहते हैं सहूलत सेंटर पर अवाम पुलिस को अपना हादिम पाएंगे, मुसाफिरों के जानो माल का तहफुज अवलीन तरजीह है। कोर कमांडर भावलपुर तब्दील, लेफ्टिनेंट जनरल जावेद महमूद बुखारी को कोर कमांडर भावलपुर तैनात कर दिया गया। मुल्क को दुश्मनों से बचाने के साथ साथ माहौलियाती आलूदगी से भी बचाना है, भावलनगर के रेंजर्स मैदान में आ गए, विंग कमांडर रेंजर गोहर इकबाल ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया। इंस्पेक्टर जनरल रेलवे डॉक्टर मुजीबुर रहमान ने मुल्तान दौरे के दौरान एसएसपी रेलवे के दफ्तर में पौधा लगाया, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर फ्लोर कोर्ट गुलाम मुस्फा ने एमएस डॉक्टर कलीम अनवर शाह के हमरा फ्लोर कोर्ट अस्पताल में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। डिस्ट्रिक्ट जेल रहीम यरहान में यौम आजादी के हवाले से कैदियों के माबैन खेलों के मुकाबले मुनाकिद हुए, असिस्टेंट कमिश्नर हीरा रिजवान और जेल सुपरिटेंडेंट शेख अकराम की खसूसी शिरकत। जश्न आजादी की खुशियां मनाने के लिए भावलपुर की अकलीती बरादरी भी पेश, डीसी मोहम्मद अयूब खान की अकलीती बरादरी के साथ मुलाकात, अकलीती बरादरी जानिब से कल वॉक का एहतमाम, डीसी ने भी शिरकत करी। डीजी खान में जिला काउंसिल के जनरल इजलास में रोंगन से सखी सरवर तक 42 किलोमीटर रोड के लिए करारदाद पेश, स्पीकर ने करारदाद मंजूर के लिए डीसी ऑफिस भिजवा दी, वाइस चेयरमैन सरदार जावेद इकबाल केसरानी समेत यूसी चेयरमैनों की शिरकत। मुजफ्फरगढ़ के इलाके कनवान चौक पर तजावजात की भरमार, जगह जगह ट्रैफिक जाम ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया, सड़क की चौड़ाई का मंसूबा साल भर से इल्तवा का शिकार, शहरियों का इंतजामिया से नोटिस का मुतालबा। ऊंचे सुरमई पहाड़, साफ और शफाफ झील का नजारा, सरसब्ज और शादाब जमीन, दिलोकश खूबसूरत नजारे, लेकिन हिफाजत कौन करे, मियां वाली का पुरफिसा और दिलकश मुकाम, नमल झील मसाइल का शिकार, झील को जाने वाला रास्ता खस्ता हाल होने से सियाहों को मुश्किल का सामना, झील के करीब पार्क और तफरी का सामान ना होने से सियाहों ने नमल झील का रुख करना छोड़ दिया। बक्कर के मुकाम पर दरिया सिंध का पानी की सतह तेजी से बुलंद, दरिया के किनारे आबाद बस्तियां से रेयाब, बस्ती वैया, जोगदार, जोग मोहाना, बस्ती बचर शामिल। मतवस्त तबका से ताल्लुक रखने वाले बच्चों की तालीम के लिए इंतजामिया का ऐसा इकदाम, बच्चों की तादाद में इजाफे के पेश नजर नए हाई स्कूल कायम करने का फैसला, महकमे स्कूल एजुकेशन की जानिब से जिला भर के सीओ से तफसीलात तलब।
भक्कर और मियांवाली के तालिब इल्मों के लिए बुरी खबर। सरगोधा यूनिवर्सिटी के भक्कर मियांवाली के वाहिद कैंपस में स्टाफ की कमी के बाइस दाखिले बंद। सिर्फ मुख्तस डिपार्टमेंट में दाखिले किए जाएंगे, नोटिफिकेशन जारी। हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान का यूनिवर्सिटियों के असलाहत का फैसला। ताजा की रेशनलाइजेशन और भर्तियां एचईसी की जेर निगरानी होंगी। एमएस डिग्री होल्डर्स का महाना अलाउंस बंद। टीडीएस साझा की तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन और एचईसी के दरमियान मुजाकरात के बाद मरासला जारी। जनूबी पंजाब में एड्स कंट्रोल प्रोग्राम पर अमल दरामद जारी रखने के लिए हिकमत अमली तश्कील। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम पर 35,72,00,000 के अखराजात किए जाएंगे, जिसमें 42,00,000 रुपए तशहीर के लिए खर्च होंगे। पंजाब में काम करने वाले पीएसपी अफसरान के तमाम असासों की तफसीलात तलब। वफाक का आईजी पंजाब को मरासला। आईजी ने सीपीओ समेत आरपीओ और डीएपीओ रिकॉर्ड मांग लिया। लोधा में वेटरनरी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों की कमी। 73 यूनियन काउंसिल्स के लिए सिर्फ 6 वेटरनरी अस्पताल और 8 वेटरनरी डॉक्टर्स मौजूद। डिस्पेंसरियों पर भी अमले और अद्वियात की किल्लत। वेटरनरी सहूलियात के फुकदान से जानवरों का इलाज और वैक्सीनेशन। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मियांवाली सैयद करार हुसैन ने माह जुलाई में जुर्म की शरह और कारकर्दगी का जायजा लिया। तमाम तफ्तीशी अफसरान को मुकदमा जल्द निपटाने की हिदायत। डीपीओ मियांवाली सैयद करार हुसैन को जिला भर की मसाजिद में जुमा के बाद खुली कचहरी लगाने के अहकाम। तमाम डीएसपी और एसएचओ की मसाजिद में ड्यूटियां लगा दी गई। पुलिस और आवाम के दरमियान को खला को खत्म किया जाए। पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए डीएसपी ऑफिस ने दरवाजे हर वक्त खुले रखने का जाहिर कर दिया। डीएसपी पिपला सैयद एजाज शाह का नमाज जुमा के इज्तमा से खिताब। डीसीडीजी खान का बहबूद फंड के तहत माली इमदाद में ताहिर का नोटिस। इंक्वायरी के लिए बनाएगी खसूसी कमेटी को एक रोज में जांच पड़ताल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अलीपुर में जाती रंजिश के बायस जानवरों पर जुल्म। नामालूम अफराद ने अल्लाह वसाया नामी शख्स के जानवरों पर मुबैना तौर पर जहरीला केमिकल फेंक दिया। जानवर शदीद मुतासिर। सादिकाबाद में हवातीन गैंग की कपड़ों की दुकान में वारदात। 3 हवातीन दुकानदार को बातों में लगाकर कपड़े का थान ले उड़ी। चोरी की सीसीटीवी फुटेज रोही को मौसूल। बिहाड़ी में 10 साल बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने वाला मुलजिम अली नवाज गिरफ्तार। मुलजिम के खिलाफ थाना नंदन में मुकदमा दर्ज। सुबह भर में शादी हालों से इजाफी टैक्स वसूली का इकदाम हाईकोर्ट में चैलेंज। राव तारिक इस्लाम की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। वफाकी हुकूमत समेत वजारत खजाना और दीगर को फ्रीक बनाया गया। मुहर्ररों के लिए खुशखबरी। मुख्तलिफ थानों में तायुनात हेड मुहर्ररों को अब मिलेगी मोटरसाइकिलें। मोटर ट्रांसपोर्ट ब्रांच पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। अलहदा और खुद मुख्तार सूबा और हाईकोर्ट के कयाम का मुतालबा। मुल्तान की अदालतों में वकला की हड़ताल। अदालती अमूर मुकम्मल तौर पर बंद। वकला का कहना है मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। हुकूमत पंजाब और महकमे सेहत डेंगू के खात्मे के लिए मुतहरिक। महकमे सेहत ने भावलपुर के सरकारी अस्पतालों के स्टाफ को तरबियत के लिए लाहौर बुला लिया। 2 रोजा डेंगू तरबियती वर्कशॉप 13 अगस्त से शुरू होगी। मरासला जारी। डेंगू वर्कर्स के लिए अच्छी खबर। महकमे खजाना की जानिब से ईद से कबल तनख्वाहों और बकाया जात की अदायगी की मंजूरी। तमाम हेल्थ अथॉरिटीज के सीओज को मरासला जारी। डीजी हाल में महकमे सेहत की जानिब से इंसदादे पोलियो मुहिम के हवाले से आखिरी कैचअप डेट जारी। 3 रोजा पोलियो मुहिम के दौरान बकाया रह जाने वाले बच्चों को कतरे पिलाने का अमल जारी। अब तक मुहिम के दौरान 6,12,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। हालिया बारिश फसलों के लिए सूदमंद है। पानी की कमी के बाइस
छोटे रह जाने वाले पौधों की बारिश से नशोनुमा बेहतर होगी। डायरेक्टर कॉटन पंजाब डॉक्टर सगीर की रोही से खसूसी गुफ्तगु। भावतपुर के सिविल अस्पताल में जश्न आजादी की भरपूर तैयारियां जारी। अस्पताल में हर तरफ झंडे लगाए गए। एमएस डॉक्टर राशिद का कहना है कि आजादी की खुशी में अस्पताल को खूबसूरत अंदाज में सजाया जाएगा। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मुल्तान में जश्न आजादी की मुनासबत से कल्चर डे का इनेकाद। तुलबा की जानिब से मुख्तलिफ स्टॉल्स कायम। तुलबा ने पाकिस्तानी कल्चर की नुमाइंदगी की। बहावलपुर के आर्ट्स काउंसिल में जश्न आजादी के हवाले से तकरीब। डीसी मोहम्मद अयूब खान बलोच की जानिब से पौधा लगाया गया। स्कूलों और कॉलेजेस के तलबा और तालबात की कसीर तादाद में शिरकत। डीसी ने तालिब इल्मों में इनामात तकसीम किए। और गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद कॉलेज रहीमयर खान में जश्न आजादी तकरीब का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर जमील अहमद जमील की खसूसी शिरकत। तलबा की जानिब से मिली नगमे पेश।